टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य अनुरागियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संस्थान पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि हम आपसे संस्थान पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में कुछ प्रमुख संस्थाओं का वर्णन होगा। तो आज हम जो है उन्हीं प्रमुख संस्थाओं में से कुछ बात करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। हम संस्थाओं का नाम लेते हैं, हम कुछ विद्वानों का नाम लेते हैं, उनमें से आपको कुछ संस्थाएं हैं और कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो आइए चलते हैं। हम आज का पहला संस्था लेते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्ट विलियम। क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम। यानी हम जो है फोर्ट विलियम के बारे में एक संस्था है, फोर्ट विलियम एक संस्था होती है, इसी संस्था के बारे में आपसे क्या आज हम बात करेंगे। देखिए वास्तव में विलियम एक नाम होता है लेकिन फोर्ट मतलब किला होता है। अगर हम फोर्ट विलियम की स्थापना की बात करते हैं तो 10 जुलाई यानी कब होता है फोर्ट विलियम की स्थापना कब होती है 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हो जाती है। इसके जो संस्थापक होते हैं, संस्थापक तत्कालीन जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल वो होते हैं, उनका नाम होता है मार्क्विस बेलेजली। उनका नाम होता है मार्क्विस बेलेजली, उनका नाम होता है, यानी बेलेजली ने इसकी क्या किया है स्थापना करते हैं। आप केवल बेलेजली ने स्थापना ही नहीं किया बल्कि इस पर अन्य भी काम किए और उस काम को हमको जानना आवश्यक होता है। हम अगर संस्थापक की बात करते हैं तो एक संस्थापक के साथ साथ संस्थापक अध्यक्ष की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है भूमिका वहां पर प्राथमिक हो जाती है। और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में बेलेजली ने क्या किया, जिसकी नियुक्ति की, उनका नाम होता है जॉन गिलक्राइस्ट होता है। यानी अगर हम कहते हैं फोर्ट विलियम के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, वह जॉन गिलक्राइस्ट होते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट, ये जॉन गिलक्राइस्ट हैं, ये जो महोदय होते हैं जॉन गिलक्राइस्ट होते हैं, ये विद्वान होते हैं और यह हिंदी के बेसिकली उर्दू हिंदी के ये क्या अध्यापक भी होते हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो काम किया है कि यहां पर नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की है? भाषा पंडितों की नियुक्ति की है, यानी भाषा मुंशी की नियुक्ति की है। ऐसा माना जाता है कि गिलक्राइस्ट ने भाषा मुंशी की नियुक्ति की है। कहां पर नियुक्ति की है? यही फोर्ट विलियम में। यानी फोर्ट विलियम में क्या किया है, इन दोनों लोगों की नियुक्ति किया है। फोर्ट विलियम को ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से, यानी इसका पुराना नाम जो होता है वो ओरिएंटल सेमिनरी होता है, आपको ओरिएंटल सेमिनरी होता है इसका नाम होता है, इसी को आप फोर्ट विलियम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहां पर जो है मैंने बताया जो भाषा पंडित हैं उनकी नियुक्ति होती है, तो पहली नियुक्ति जो करते हैं वो किसकी करते हैं, लल्लूलाल की कहते हैं। पहली जो नियुक्ति फोर्ट विलियम में भाषा मुंशी के पद पर हुआ है वह लल्लूलाल की हुई है, लल्लूलाल की यानी पहली नियुक्ति हुई है। दूसरी नियुक्ति किसकी हुई है, सदल मिश्र की हुई है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो सहसा यानी बिना कुछ कहे ही हमारे सामने दो लोग और मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं।
एक सदल मिश्र के साथ साथ ही अभी इनके बारे में तो दो लोगों के बारे में बात करूंगा ही करूंगा, एक ऐसी विभूति के भी बारे में बात करूंगा जिसका नाम होता है सदा सुखलाल। सदा सुखलाल सुखलाल होता है और एक ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं इंसा अल्लाह खां, यानी ईशा अल्लाह खां भी इनको कहते हैं, अल्लाह खां कहते हैं। ये आपको अगर हम अलग से कहें तो एक और दो, यह अगर हम इन दोनों लोगों के नाम की चर्चा करते हैं तो इन दोनों लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए, यानी उसी क्रम में बता देना चाहिए। भले ही यह इन संस्थाओं से रिलेटेड नहीं है, यह इनकी रचना स्वांतः सुखाय होती है, इनकी रचनाएं स्वतंत्र होती हैं, लेकिन फिर भी इनको भूलना नहीं चाहिए और यहां से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो पहले हम अगर बात करें तो हमको लल्लू लाल पर बात करना चाहिए, यानी लल्लू लाल को जिसको लाल कवि या लाल चंद के नाम से जानते हैं, तो इन पर पहले हमारी बात होनी चाहिए। तो यानी दो पद निर्धारित किए जाते हैं, भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल की और सदल मिश्र की होती है। अब यहां थोड़े से लल्लू लाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए लल्लू लाल जो होती हैं बेसिकली इनको लाल कवि कहते हैं, लल्लू लाल। लल्लू लाल को क्या कहा जाता है, लाल कवि भी कहा जाता है, यानी इनको लाल कवि हैं, एक नाम इनका लाल कवि होता है, या इनको लाल चंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लाल चंद के। अगर कभी बाई दबे मान लीजिए कि आपसे पूछ ही लिया जाए कि लाल चंद कौन थे, या तो आप ये मत सोचिएगा कि लाल चंद कोई अलग हैं या लाल कवि कोई अलग हैं, इनके ही क्या होते हैं, नाम होते हैं। 1763 में इनकी पैदाइश होती है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में एक जिला होता है आगरा, यानी 1763 में कहां पर, आगरा में इनका जन्म होता है, आगरा में जन्म होता है। शुरू से ही प्रतिभाशाली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भले ही प्रतिभाशाली हो, वह अवसर न मिलने के कारण, उचित स्थान पर न जाने के कारण उसकी प्रतिभा क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है और प्रतिभाओं का निखार नहीं आ पाता है। इसलिए या तो व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं से भी ऐसा होता है और कभी कभी संस्थाओं के माध्यम से भी ऐसे होते हैं, तो व्यक्ति के ये कर्म पर निर्भर करता है। फिलहाल आप जो है यहां लल्लू लाल के अंदर स्वयं की प्रतिभा थी और उस प्रतिभा के बदौलत भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था। यह बहुत अच्छे तैराक थे, यह लल्लू लाल क्या थे, बहुत अच्छे तैराक थे। तैराक मतलब होता है तैरने वाले, यानी पानी में तैरने। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता में एक अंग्रेज जो है वह डूब रहा था और लल्लू लाल वहां गए हुए थे, काम के सिलसिले में गए हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह डूब रहा था, तीनों कूद करके उसको बचा लिया, ऐसा ये मिलता है, कथानक मिलता है। तो जब बचा लिए तो उसी अंग्रेज ने क्या किया, इनको यहां विलियम फोर्ट में ला करके भाषा पंडित यानी भाषा मुंशी, प्रथम भाषा मुंशी के पद पर इनकी नियुक्ति किया है, करवाता है। तो ऐसा माना जाता है वहीं से इनकी पुनः यही लल्लू लाल, जो आप प्रेम सागर, लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या होती है, प्रेम सागर होती है, और प्रेम सागर को इन्होंने रच करके अमर हो जाते हैं, ये इनकी अमर कृति है। तो जब भी लल्लू लाल आएगा तो आपके मानस पटल पर प्रेम सागर को आना ही आना चाहिए, यानी इन्होंने क्या किया, प्रेम सागर की रचना किए हैं। इनकी मृत्यु बेसिकली 1835 में इनकी मृत्यु कहां पे, कोलकाता में हो जाती है, यानी 1763 में इनका क्या पैदा होते हैं, आगरा में पैदा होते हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, और इनकी मृत्यु जो होती है वह 1835 में हो जाती है, कहां पर, 1835 में कोलकाता में हो जाती है, कोलकाता में हो जाती है, यानी कलकत्ता में हो जाती है, तत्कालीन कलकत्ता जो था, यानी वहां पर हो जाती है। इन्होंने प्रेम सागर की, जो मैंने बताया कि इन्होंने जो रचनाएं की वो रचना क्या करते हैं, वह प्रेम सागर की रचना करते हैं।
प्रेम सागर। प्रेम सागर क्या है? प्रेम सागर जो है यह भागवत श्रीमद् भागवत पुराण होता है, यानी भागवत पुराण का यह दसम स्कंद है, यानी दसवां स्कंद होता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रेम सागर क्या है, तो प्रेम सागर दसवां स्कंद होता है, स्कंद है यानी दसवां भाग है श्रीमद् भागवत पुराण का, उसी का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्रेम सागर किससे संबंधित है या प्रेम सागर किसका अनुवाद है, तो आप बताइएगे श्रीमद् भागवत पुराण का या दसवें अध्याय का, दसवें स्कंद का, यह क्या होते हैं, यह अनुवाद होते हैं, जो जिसको किसने किया है, ललूलाल ने किया है। इस पर यानी प्रेम सागर पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। किसका? ब्रज भाषा का प्रभाव होता है। इस समय जो ब्रज भाषा है, ब्रज बोली भी उसको कहते हैं, बोलियों के रूप में भी जब हम बोली पढ़ाएंगे व्याकरण में तो ब्रज बोली के रूप में भी आता है। तो यानी ब्रजी का यहां पर प्रेम सागर पर क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, और इनका धीरे धीरे ऐसे कार्य चलता है। और मैंने बताया कि 1835 में इनकी कोलकाता में ही मृत्यु हो जाती है। ये आपके रहे ललूलाल महोदय रहे, जिसके बारे में आपसे सामान्य कॉन्सेप्ट है और आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसके बाद से हम बात करते हैं किस पर, शदल मिश्र पर बात करते हैं, किस पर, दूसरे भाषा पंडित कौन से होते हैं, शदल मिश्र होते हैं। शदल मिश्र, चूंकि मैंने बताया कि कोई कोई ऐसा होता है कि अपनी रचनाओं से ही अमर हो जाता है, उन्हीं में से एक शदल मिश्र भी आपके सामने आते हैं। और शदल मिश्र का एग्जैक्ट जो है जन्मतिथि नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यह माना जाता है कि 1767-68 के करीब में, 1767-68 के करीब में इनका जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? बिहार में हुआ है, बिहार के आरा जिले में हुआ है इनका जन्म होता है। तो अगर इनका नाम आया है, शदल मिश्र का आया है और बिहार आरा आया है, तो स्वाभाविक सी बात है एक कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए कि इन पर जो इनके भाषा पर पूर्वीपन का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा। फिलहाल ये जो है वहां पैदा होते हैं, इनका इनका भी भाषा मुंशी के पद पर, मैंने फोर्ट विलियम में बताया कि इनकी दूसरी नियुक्ति होती है, यानी शदल मिश्र जी की दूसरी नियुक्ति होती है। प्रथम नियुक्ति किसकी होती है? ललूलाल की, आपको ध्यान रखना है। दूसरी नियुक्ति किसकी होती है? शदल मिश्र की होती है। ललूलाल को लाल कवि या लालचंद के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर शदल मिश्र ने आपको 1803 के लगभग में एक ग्रंथ लिखते हैं जिसको कहते हैं नासकेतोपाख्यान। क्या कहते हैं? यानी उसको कहा जाता है नासकेतोपाख्यान कहा जाता है। आप इनके बारे में तो ये बचपन से ही सुने होंगे, नासकेतोपाख्यान के बारे में। नासकेतोपाख्यान, ये नासकेतोपाख्यान जो है इसको मूलतः इसमें क्या है, नचिकेता, नचिकेता ऋषि हैं, नचिकेता ऋषि की कथानक का वर्णन यहां पर मिलता है। इसके साथ ही साथ चूंकि नासकेतोपाख्यान का एक नाम होता है चंद्रावती, क्या नाम होता है? चंद्रावती, यह चंद्रावती नाम होता है। ये जो है शदल मिश्र कहते हैं कि चंद्रावती नाम से, नासकेतोपाख्यान से अधिक चंद्रावती नाम से ज्यादा फेमस हो, इसलिए इसके नाम चंद्रावती भी रखते हैं। हालांकि आप जब इस ग्रंथ को देखेंगे तो यह ग्रंथ मूलतः इनके नचिकेता ऋषि के वर्णन के साथ ही साथ यह प्रेम पर भी आधारित है। किस प्रेम पर आधारित है? यह चंद्रावती और नासिकेत के प्रेम का इसमें वर्णन है। किसका है? रानी चंद्रावती हैं, यानी नासकेतोपाख्यान में शदल मिश्र ने जो लिखा वो रानी चंद्रावती और नासिकेत के प्रेम का वर्णन है। नासिकेत के प्रेम का वर्णन है इसमें, प्रेम का वर्णन है, यानी यहां पर भी आप इनके प्रेम के वर्णन में यह पुस्तक या यह ग्रंथ जो है आप पाते हैं।
ये बेसिकली अगर हम ये कहें कि नासिकेतोपाख्यान पर प्रभाव किसका होता है, तो आप प्रभाव किसका होता है कि आप, मैंने कहा कि चूंकि शदल मिश्र लिख रहे हैं, आरा में पैदा हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इस पर पूर्वीपन का प्रभाव होगा। तो इस पर प्रभाव किस भाषा का होगा? पूर्वीपन का प्रभाव होगा। एक बार क्वेश्चंस पूछा गया है इसी पूर्वीपन को, पूर्वीपन भी लिखा गया है, पूर्वीपन भी लिखा गया है ऐसा, तो आप पूर्वीपन या पूर्वीपन जैसा भी आप, पूर्वीपन का क्या होता है, इन पर प्रभाव होता है। हालांकि आप ये नहीं है कि केवल पूर्वीपन का ही आप इनके प्रभाव पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप ब्रज का भी इस पर प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी यहां पर होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, पूर्वीपन का इसमें प्रभाव आपको दिखाई देता है। ये नासिकेतोपाख्यान यानी सदल मिश्र ने जिसको लिखा, यह मूलतः जो है अनुवादित ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि बस ये इन्होंने अपने मन से सोचा और इन्होंने कोई नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती नाम से इन्होंने कर दिया। इसमें क्या है, यह मूलतः क्या है, अनुवादित ग्रंथ है, और यह इसका मूल जो ग्रंथ है वह यजुर्वेद है। क्या है मूल ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान का? क्या है? यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद है, यानी यजुर्वेद का मूल रूप से अगर हम यह कहें कि यह अनुवाद है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि इसमें विस्तार जो मिलता है वो कठोपनिषद का एवं पुराणों से लिया गया है। इसका विस्तार जो है कठोपनिषद और पुराणों से भी लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि खड़ी बोली का जो पहली रचना है, श्याम सुंदर दास ने भी माना है, यह नासिकेतोपाख्यान ही होता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा गद्य साहित्य पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं सबको कंपाइल करके सबकी तुलना करके भी मैं बात करूंगा। सदल मिश्र ने, यानी ये इनकी फेमस रचना होती है, सदल मिश्र ने एक और रचनाएं की, उस रचना का नाम होता है रामचरित होता है। क्या होता है? रामचरित होता है या अध्यात्म रामायण होता है। तो मैं आपसे यहां पर बताया कि 1803 के करीब में क्या लिखा जाता है, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती लिखा जाता है 1803 के करीब में। ठीक है, 1806 में हम बताए कि रामचरित लिखा जाता है। ठीक है, नाम ही है रामचरित, और रामचरित को मैंने बताया कि किस नाम से, अध्यात्म रामायण के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम अध्यात्म रामायण, मूलतः क्या है, यह अध्यात्म रामायण ही है, अध्यात्म रामायण, इसको रामचरित के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया है। ये इसमें, इस पर यानी इस रचना पर, ये जो रामचरित रचना है, इसी पर मिश्र जी को, यानी सदल मिश्र को क्या हुआ, पुरस्कार, कंपनी के तरफ से पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो सदल मिश्र के बारे में आपने कुछ इतना जाना, इनकी यानी ये जानिए कि जो दो रचनाएं इनकी बड़ी फेमस होती हैं, जिसके बारे में आपसे क्या होता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसमें, विलियम फोर्ट में ये काम करते हैं, लल्लूलाल और सदल मिश्र होते हैं। चलिए, ये दो तो आपके रहे कि जो विलियम फोर्ट में, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में होती है, ये रहा उनकी, यानी इसमें फोर्ट विलियम में क्या होता है, प्राच्य विद्या का अध्ययन होता है, और प्राच्य विद्या का, भाषा का, भाषाओं का भी अध्ययन होता है। ये फिर फोर्ट विलियम जो है इसी के लिए स्थापित किया गया था 10 जुलाई 1800 को, इससे रिलेटेड रहे, इसलिए इनको जानना आवश्यक होता है। अब जो है, मैंने आपसे बताया कि दो लोगों को, एक सदा सुखला और एक ईसा अल्लाह खां, इनको भी जानना आपको उतना ही आवश्यक है जितना लल्लूलाल यानी लालचंद या आपका सदल मिश्र को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम किसकी बात करते हैं, मुंशी सदासुख लाल की बात करते हैं, सदासुख लाल की बात करते हैं। ठीक, सदासुख लाल,
सदा सुखलाल का जो जन्म होता है वो 1746 में होता है, यानी 1746 में सदा सुखलाल का क्या हुआ, जन्म होता है, और 1824 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सदा सुखलाल के अगर बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली पेशे से यह तहसीलदार की नौकरी करते थे, लेकिन उसको इन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। आपको ये इलाहाबाद, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है इसी को प्रयागराज भी कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयागराज इसको कहा जाता है, और प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। यानी अगर कभी जीएस के क्वेश्चंस, जीएस वैसे सामान्य जानकारी में अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, इससे बड़ा कोई मेला नहीं होता है। यानी जब कुंभ का मेला लगता है करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आकर यहाँ स्नान करते हैं। यह धर्म की नगरी है या आस्था की नगरी है, यह सरस्वती की नगरी है, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको प्रतिभाएं भी देखने को मिलती हैं। तो सदा सुखलाल जो है ये भी क्या किए, तहसीलदार की नौकरी छोड़ करके इसी प्रयागराज में इलाहाबाद में आकर रम गए, और जीवन पर्यंत यह जो है यही भागवत नाम की चर्चा में रमे रहे, और यही के प्रयाग के ही होकर के हो जाते हैं, रह जाते हैं। इनकी जो सबसे एक प्रमुख रचना होती है जिसको आप लोग जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं वह रचना कौन सी होती है, सुख सागर होती है वह रचना। यानी सदा सुखलाल की जो रचना होती है वह कौन, सुख सागर होती है। सुख सागर की इन्होंने क्या किया, रचना किया, ठीक है। सुख सागर यह श्रीमद् भागवत पुराण का यह भी अनुवादित ग्रंथ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें विष्णु पुराण का प्रसंग लिया है, उपदेशात्मक वर्णन है और नैतिक प्रसंगों की बात है। यानी यहां पर भी ये जो है एक धार्मिक ग्रंथ होता है, जो विष्णु पुराण सुख सागर यानी विष्णु पुराण की अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण से यहां पर उपदेशात्मक ये जो है प्रसंग यहां से लिए गए हैं और नैतिक प्रसंग। क्या विष्णु पुराण से क्या लिए गए हैं, सुख सागर में क्या लिखा गया है, विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग, उपदेशात्मक प्रसंग लिया गया है, अथवा उपदेशात्मक प्रसंग को हम क्या कहते हैं, उपदेशात्मक प्रसंग लिया गया है, इसी को हम नैतिक प्रसंग भी कहते हैं। अगर बाय द वे कभी आ जाता है उपदेशात्मक प्रसंग नहीं आते हैं तो क्या देगा, नैतिक प्रसंग यहां से लिए गए हैं। यानी सुख सागर में क्या होता है, वर्णन होता है, जो बड़ा ही इनका फेमस होता है मुंशी सदा सुखलाल का। इतना आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए, और ये पूछा भी जाता है। इनकी सबसे एक जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन उसको जिसमें इन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है उसको संभवतः हमें नहीं कहते हैं, जानते नहीं होंगे, जानते होंगे लेकिन मेरे द्वारा भी आप उसको जान लीजिए। उसका नाम होता है मुंतखब उत तवारिक होता है, जो इसमें जीवन, अपना संक्षिप्त जीवन परिचय इन्होंने दिया है, मुंतखब उत तवारिक ये इनकी पुस्तक होती है। इसी को जो है आप पुस्तकों में मुंतखब उत तवारिक ऐसे भी आप पा जाएंगे एक में, तो बात एक ही है।
या पैसे कहिए, यानी मुंतखब तवारीख में जो है इन्होंने क्या किया, अपना संक्षिप्त जीवन परिचय भी इन्होंने, यानी संक्षिप्त जीवनी या जीवन परिचय भी इन्होंने लिखा है। तो ये भी इनकी क्या होती है, एक प्रसिद्ध रचना है जिसको आपको जानना आवश्यक होता है। हो सकता है कभी इसको भी पूछा जा सकता है, हालांकि सुख सागर के बारे में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है अगर बहुत कर सकते हैं तो इसको भी अगला नंबर लगा सकते हैं, नहीं तो इसी को पुनः क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में, शब्दों की अपनी महिमा है, माया जाल है, दूसरे शब्दों में घुमा करके पूछा जा सकता है कि सदा सुखलाल की रचना किसने किया, या ये सदा सुखलाल ने, सॉरी सुख सागर की रचना किसने किया, या सदा सुखलाल ने किसकी रचना किया, ऐसा कुछ दे सकता है। ठीक है, यानी ये रहा आपके मुंशी सदा सुखलाल के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मैंने जो बताया कि चौथा जो स्तंभ है, उस स्तंभ के बारे में भी थोड़ा हमको जान लेना आवश्यक होता है। वो होते हैं इंशा अल्लाह खां होते हैं, यानी इंशा अल्लाह खां के बारे में भी मुझे आवश्यकता होती है कि इनके बारे में हम क्या करें, जानकारी हासिल करें, इंशा अल्लाह खां। ठीक है, अल्लाह खां, इनको बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंशा अल्लाह खां, इनका बेसिकली जन्म जो होता है वो 1756 में होता है। कब होता है? 1756 में होता है। कहां पर होता है? मुर्शिदाबाद होता है, मुर्शिदाबाद होता है। ये मुर्शिदाबाद आपका कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में होता है मुर्शिदाबाद, दिल्ली। दिल्ली में मुर्शिदाबाद 1756 में इनका जन्म होता है। आप लोग इंशा अल्लाह खां के बारे में बड़ी भली भांत से आप जानते भी होंगे कि इन्होंने क्या लिखा, एक बड़ी ही फेमस पुस्तक लिखते हैं, वो क्या होती है, रानी केतकी की कहानी। क्या लिखते हैं? यही से मैंने कहा कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं, उस रचनाओं से क्या हो जाता है, व्यक्ति अमर हो जाता है, और ये लिखते हैं रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां, मुझे लगता है कि इंशा अल्लाह खां और सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये चार ऐसे महान मूर्धन्य विद्वान हैं जिसको मुझे अगर याद आ रहा है ठीक से, तो हाई स्कूल से ही इसको पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पहला इनका सामना जो होता है, अब नई किताबों में तो मुझे नहीं है कि कक्षा 6, 7, 8 में है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों के समय यह 10 से यानी 9 से, कक्षा 9 से ये क्या होते हैं, पूछे जाने लगते हैं इनकी रचनाएं, कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं, या सुख सागर के रचनाकार कौन हैं, ऐसा आपको प्रेम सागर के कौन हैं। तो ये जो हैं आपको चार जो ऐसे ये मूर्धन्य जो विद्वान हैं, इनको हाई स्कूल से ही मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लगता है। अब तो और पहले से भी शामिल कर लिया गया होगा। तो फिलहाल आपको जानना है कि रानी केतकी की कहानी ये किसने लिखा है, ये इंशा अल्लाह खां ने लिखा है। इंशा अल्लाह खां ये नाम तो देते हैं, लेकिन इसका एक नाम और होता है, वो नाम होता है, इसको किस नाम से आपको पता है, उदय भानचरित के नाम से भी इसको जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी किस नाम से जाना जाता है? उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, उदयभान चरित, इस नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, यानी उदयभान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है, रानी केतकी की कहानी। ये बड़े ही फेमस, मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस अपने कर्मों से प्रसिद्ध हो जाते हैं, ये इसमें जो है सांसारिक प्रेम को आधार बना करके लिखा गया है, यानी ये भी क्या है, प्रेम पर ही आधारित है, लेकिन सांसारिक प्रेम पर
प्रेम पर आधारित है, ये आधारित होता है। ये किस कौन से सांसारिक प्रेम जो आप लोग करते हैं, सांसारिक प्रेम, उस पर कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं है, लेकिन ये सांसारिक प्रेम पर लिखी गई एक पुस्तक, एक रचना होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एक इनका जो है उर्दू का प्रथम व्याकरण कहा जाता है, उसको भी आपको जानना आवश्यक होता है। दरियाए लतफत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दरियाए लतफत ने इन्होंने ही लिखा, क्या लिखे, दरिया ए लतफत, ये लिखते हैं इंशाल्लाह खां ही लिखते हैं, जो उर्दू का प्रथम व्याकरण भी कहा जाता है, यानी उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना जो है ऐसा माना जाता है कि कौन सा है, दरियाए लतफत है। ठीक है, तो कभी हो सकता है मे भी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कि ये भी किसकी है, इंशाअल्लाह खां की ये रचना होती है। तो आपको मैंने किसके चार मूर्धन्य विद्वानों के बारे में जिक्र किया, और आशा है कि आपको ये बातें समझ में भी आई हुई है। अब देखिए, मैंने अभी एक संस्था के बारे में चर्चा किया, वो संस्था है क्या, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम ये संस्था है, फोर्ट विलियम ये संस्था होती है, जिसको मैंने बताया कि 10 जुलाई 1821 की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद अगर हम एक संस्था की और बात करते हैं, तो बड़ा फेमस संस्था है, वो संस्था कौन सी होती है, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के बारे में आप लोग सुने होंगे, नागरी प्रचारणी सभा, इसके बारे में भी आपके कुछ मत होंगे, कुछ विचारधाराएं होंगी, कुछ राय होगा, कुछ जानकारियां होंगी, उन्हीं जानकारियों को एक सिस्टमेटिक तौर पर आप क्या करिए, बद्धित कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है, 16 जुलाई 1893 को होती है, कब होती है, 16 जुलाई 1893 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका जो प्रकाशन होता है वो कब से होता है, 1896 से होने लगता है। चूंकि मैं पहले से ही आपको इसके बारे में बताता चला आया हूं कि जब मैं रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाया उस समय भी इसकी हमने बात किया था, फिलहाल चूंकि मैं आपको एक संस्था के रूप में बता रहा हूं, तो इसको बताना अति आवश्यक आपके लिए हो जाता है कि संस्था के रूप में भी जान लीजिए। यहां पर यह प्रकाशन इसका प्रारंभ 1896 से होता है, जिसको बारे में आप जानते हैं। इसके जो संस्थापक होते हैं वह कौन होते हैं, इसके संस्थापक के रूप में तीन लोग सामने आते हैं। कितने लोग आते हैं, तीन लोग आते हैं, वो कौन से होते हैं, श्याम सुंदर दास होते हैं, श्याम सुंदर दास होते हैं, आप इनको तो जानते ही हैं। श्याम सुंदर दास के बारे में तो आपको कहना नहीं है, आप शिव कुमार सिंह को भी संभवतः जानते होंगे, शिव कुमार सिंह, चूंकि अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो शिव कुमार सिंह को भी आप जानते होंगे। और तीसरे इसके जो संस्थापक होते हैं वो कौन से होते हैं, रामनारायण मिश्र होते हैं, रामनारायण मिश्र होते हैं। तो ये तीन लोगों ने मिलकर किया क्या है, किसकी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया है। कहां पर किए हैं, अगर पूछा जाए कि ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहां हुई है, तो आप बताएंगे काशी में हुई है, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा भी बोला जाता है। कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1896
1893 में इसकी स्थापना होती है, यानी 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना होती है। जबकि कब इसका पहला प्रकाशन आपको 1896 में, यानी 11 मई 1896 में इसके पहला प्रकाशन प्रारंभ होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन, प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो राधा कृष्ण दास होते हैं। कौन? राधा कृष्ण दास को बनाया जाता है। तो ये प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रथम संपादक जो होते हैं ये बेनी माधव होते हैं। प्रथम संपादक के रूप में अगर आप देखेंगे, प्रथम संपादक के रूप में कौन पाएंगे, तो आपको वेणी माधव सामने आपके उपस्थित होते हैं। वेणी माधव को बेनी माधव भी आप बोल सकते हैं, कभी ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी में जो है यह खड़ी बोली में न का प्रायः, जब हम बोलियां पढ़ाएंगे वहां पर मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा कहां किन बोलियों का ज्यादा बाहुल्य होता है, तो वहां पर बताऊंगा। फिलहाल आप बेणी माधव या बेनी माधव नाम पूछेगा जो भी आप समझ जाएंगे, ये प्रथम संपादक होते हैं। किसके? नागरी प्रचारिणी सभा के होते हैं। ये लगातार काम करती है, 24 वर्ष तक काम करती है, और ये मासिक रूप में अपनी पत्रिका निकालती है, त्रैमासिक, उसके बाद यह क्या होती है, त्रैमासिक हो जाती है। और इसका मूल जो उद्देश्य होता है वह हिंदी से संबंधित ग्रंथों की खोज एवं प्रकाशन में यह संस्था आपकी लगी हुई है। तो यानी इस रूप में यह संस्था आपको काम करती है, नागरी प्रचारिणी सभा। आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां भी बताया कि यहीं से, यही वो संस्था है जहां से रामचंद्र शुक्ल जो है अपने उत्थान पर आते हैं, यानी यही एक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर, एक शब्दकोश ग्रंथ है, इन्हीं श्याम सुंदर दास का ही संपादकत्व में वह निकला है, लेकिन श्याम रामचंद्र शुक्ल ने उसका जो भूमिका लिखा, यानी हिंदी साहित्य के विकास के नाम से, वही हिंदी साहित्य का विकास जो है 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ से स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं, प्रकाशन कर देते हैं, जो अमर कृति इनकी रामचंद्र शुक्ल की हो जाती है। और उसी में इन्होंने विभाजन भी, यह पूरे हिंदी साहित्य को चार भागों में विभाजित भी कर देते हैं। यही नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी साहित्य का बृहद यह इतिहास ग्रंथ लिखती है, जिसको 16 भागों में विभाजित करती है। इसके बड़े काम होते हैं, ये बड़ा काम किया है कि पूरे हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ लिखा, 16 भागों में इसने विभाजित किया है। हालांकि उनके अलग अलग संपादक हैं, अलग अलग लोगों के संपादकत्व में वो प्रकाशन हुआ है, लेकिन 16 खंडों में इन्होंने क्या किया है, विभाजित करके इसको प्रस्तुत किया है। तो इसके बड़े काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, ते आपके हो जाते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा हो जाती है। अगर हम इस अलग संस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो अभी तो संस्थाएं बहुत सी हैं, लेकिन आज के लिए मुझे लगा कि थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, नहीं तो अब जो है अभी आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन बचे हुए हैं, परिमल बचा हुआ है, सरस्वती बचा हुआ, तमाम संस्थाएं जो हैं यहाँ पर बची हुई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली हम संस्थानों पर बात करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को मैं ये कहूँ कि दिवाली की शुभकामना तभी भी ठीक है, दिवाली बीती हुई दिवाली की भी शुभकामना भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ठीक है। तो पुनः हमारी मुलाकात इसी संस्था के अगले क्रम में होती है, यानी हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे बात करते हैं इस पर जो है, हम पुनः जो क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चंस के रूप में हम आपको बात करेंगे, तो जा करके तब इस बात पर पूरा डिबेट होगा,
तो मजा भी आएगा। ठीक है, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।